जो जंग लड़ी गई है उसमें सिर्फ मर्दों का कारोबार नहीं रहा है बल्कि बेटियां भी साथ आई है। सज्जदा शहनवाज करती है, ऐ मेरी माँ मैंने तुम्हारा दूध पिया है और जो तुम्हारा हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक मैं तामीर करूंगी। कसम खुदा की जब ये दोनों बहन भाई पीछे मुड़ते हैं और जब मदीने की गली में चलते हैं तो कब्र अनवर से आवाज आती है, ऐ मेरे लाल सही से जाना, कोई कंकर या तेरे दामन में ना छुप जाए। ऐ मेरे प्यारे सलामी भाइयों, जो फातिमा इमाम हुसैन को रोता नहीं देख सकती थी, सैयदा ज़ैनब को रोता नहीं देख सकती है, जब मैदान करबला में शहीद हुआ होगा तो मेरा हुसैन हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ होगी। कसम खुदा की हजरत इमाम हुसैन घर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, अली अकबर ने कहा कि कहां गए थे बाबा, आप कहां तशरीफ लेकर गए थे, ऐ फूफी आप कहां तशरीफ लेकर गए थे, कहा बेटा आखिरी सलाम करने के लिए गए थे। अब इतने में क्या देखते हैं घर के अंदर चीखो पुकार मच रही है और एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम हजरत सुगरा है, उसे बहुत तेजी से बुखार आ रहा है। क्या देखती है कि श्यामा ने सफर तो बांधा जा रहा है लेकिन मुझे इसमें शरीक क्यों नहीं किया जाता है। अपने भैया अली अकबर के हाथ को पकड़ती है और कहती भैया सुनो, इमाम हुसैन जो हमारे बाबा है अपनी बहन ज़ैनब को साथ लेकर जा रहे हैं, तुम मेरे भाई हो तो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे होगे। तो हजरत अली अकबर ने कहा था बाबा अब तुम्हारी बहन हजरत ज़ैनब तुम्हारे साथ जा सकती है तो मेरी बहन सुगरा भी मेरे साथ जा सकती है। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा नहीं, सुगरा को तो बुखार है और बात तेज बुखार है, और फरमाया कि मेरी बेटी मैं तेरी आंखों की बीनाई जानता हूँ, मैं तेरी आंखों की बीरानी जानता हूँ, मैं तेरा चेहरा जो पूछा मैं वो बताती हूँ, जो तेरी आंख मुझसे सवाल नहीं मांगी मैं वो भी जानता हूँ। फरमाया बेटी मैं एक बहुत बड़े इम्तहान के लिए जा रहा हूँ जिसका हुक्म मेरे नाना ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी तू रंजीदा ना हो, ऐ मेरी बेटी तू कमजोदा ना हो, अरे जब माहौल ठीक हो जाएगा तो 3 महीने के बाद मेरा तेरा भैया अली अकबर आएगा और मुझे वापस ले जाएगा। इतना कहना था हजरत इमाम हुसैन ने सारा अपना सामान सफर बांध लिया और बांधने के बाद हजरत अली अकबर को साथ लिया, हजरत मासूम अली सर को साथ लिया। जब वापस होने लगे थे मक्का मुकर्रमा की तरफ रात की तारीखी में चलने लगे थे तो सैयदा सुगरा वहां तक अपने बाप का रास्ता देखती रही थी जहां तक आपकी तस्वीर नजर आ रही थी और बार बार पलट कर कहती थी भैया अली अकबर 3 महीने के बाद मुझे बुलाना आना, ऐ मेरी फूफी मेरे भैया को भेज देना, ऐ मेरी माँ मेरे भाई को भेज देना, ऐ मेरे बाबा मेरे भाई को भेज देना। कसम खुदा की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक छोटी को बच्ची को अगर कोई अपने घर पे छोड़ जाए तो बेटी कैसे रोती है, उसकी रोना सबको रुला देता है। हजरत इमाम हुसैन का पारा पारा हो जाता है, हजरत इमाम हुसैन का दिल पारा पारा हो जाता है, आप पसीने में शराब हो रहे हैं, आप मेरी बेटी छूट रही